कितनी पुरानी सी ट्रेन है, देखो कितने पुराने पुराने हैं इसके। कुर्तियानी क्या है भाई, देखो तो ट्रेन का आइडिया भी नहीं है कौन सी क्या होती है। एक ही बार लाइफ में ट्रेन में गया था, वो भी कोल्हापुर। खोलो खोलो खोलो, मैंने कैसी दुकान है देखियो, कितनी पुरानी सी दुकान है। दरगाह दरगाह के अजमेर शरीफ दरगाह यही है, अजमेर शरीफ वाली जो दरगाह। आगे नहीं जाएगी, ओके। कितना दूर है यहाँ से? क्या चाहते तो कुछ वो कैसे होता है यहाँ पे, मतलब अच्छा आपका नाम क्या है? नाम सैयद रईसुद्दीन नूरी। सैयद रईसुद्दीन नूरी जी, पांच नंबर गेट ध्यान रखेंगे, पांच नंबर गेट से अंदर वाले रास्ते से ले आएगा। तो यहाँ से हमने 250 वाला जो आप चादर जो चढ़ेंगे, हमने सेट बना लिया, इसमें फूल भी आते हैं और सब कुछ आते हैं। ये भाई मिले हैं तो ये कह रहे हैं जो आपकी सरदाबाद में आप देख लेना, वो भी देखते हैं और चादर चढ़ा के आते हैं अंदर। भीड़ बहुत है यहाँ पर, मैं पहले भी आया हूँ वैसे। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा आप हेडकोर्ट के लिए अंक वगैरह कुछ है? आपके पास काफी भीड़ है, सब नीचे दर चढ़ा के बाहर आते हैं। तो हाय गाइस, जैसे कि आप पीछे देख पाओगे मैं दरगाह आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने दर्शन भी कर लिया, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप भी लोग आओ तो अवेयर रहना कि अंदर आप फ़ोन नहीं लेके जा सकते। तो मैंने पहले दर्शन किया, चादर चढ़ाई है, उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरे को एक सादात भाई मिले हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है यहाँ पे और काफ़ी ईजी हो चुका है मेरे लिए। तो मैं आपसे उनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ और वो आपको थोड़ा यहाँ के बारे में बताएंगे। और फ्यूचर में अगर आप लोग भी आ रहे हो यहाँ पे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उनके थ्रू आएँ, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलो भाई,
कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम सदात है, मैं अजमेर शिफ्ट का वैसे तो गद्दी नशीन खुद्दाम हूँ। भाई मेरे को मिले हैं, बाइक के ऊपर आए थे तो एकदम ही हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई जैसे मेरे को मिले तो मैंने उनको अंदर दर्शन कराने लिया या जैसे अगर आप कभी भी आ रहे हो भाई को मैं नंबर मेरा शेयर कर रहा हूँ, भाई वीडियो में शेयर कर देंगे वो तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भाई आपको भाई आप वीडियो में मेरा नंबर डाल दीजिए। बिल्कुल, मैं आपकी पूरी डिटेल डाल दूंगा और मैं कह रहा हूँ और आने से पहले एक बार जरूर मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ईजी हो जाता है अगर आपको यहाँ कोई नॉन मिल जाता है, जैसे मैं चलो आए हैं हम यहाँ पे तो बाबा की दया से मिल गए तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, नहीं तो काफी क्राउड था। नहीं टूरिस्ट प्लेस है ना तो आपको अक्सर प्रॉब्लम होती है, थोड़ा हो जाता है तो हर जगह मतलब समझ सकते हैं टूरिस्ट प्लेस और टूरिस्ट बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी ट्रैवलर हूँ, आप भी ट्रैवलर हैं तो उसके बारे में अपन और साथ साथ भाई ट्रैवल भी करते हैं तो इन फ्यूचर क्या पता है गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे साथ ब्लॉग बना रहे हैं, ट्रिप भी देखने में बिल्कुल हम प्लान करेंगे। अभी कुछ कन्फर्म नहीं है भाई, आपको वीडियो बतानी है कोई ट्रिप प्लान होता है हमारा कन्फर्म सर। भाई बस एक रिक्वेस्ट हो रहा है मेरे को, थोड़ा सा दरगाह के बारे में, हिस्ट्री के बारे में आप मेरे को बता पाए। बाबा जी आज यहाँ से आज आपको 811 इयर्स हो गए, मतलब आज जैन एंड ऑफ जैन में आपको 811 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आप संजर गांव के ईरान के रहने वाले हैं, आपका एक ही मैसेज है यहाँ का पीस का, मोहब्बत का, लव टूवर्ड्स ऑल मैन टूवर्ड्स मैन, मतलब मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं, एवरीवन इज वेलकम। यही चीज हमारे इंडिया में या हमारे यहाँ पे मुल्क में सबसे अच्छी चीज मेरे को यही लगती है कि किसी भी आप धर्म में जाते हो, कैसे भी आप रहते हो, सब पीस में और लव में बिलीव करते हैं। बिल्कुल, और इससे कितना प्यारा व्यू आया ऊपर देखो बर्ड्स आप। यहाँ का मतलब एक पुराना प्रोफेशन है यहाँ कबूतरबाजी, यहाँ पे वो अलग पुराना प्रोफेशन। तो ठीक है, आप जिस तरह आप ये चारों तरफ ये मस्जिद देख पा रहे हैं, ये बादशाह शाहजहां की है, ये संगे मरमर, ये पूरी संगे मरमर की बनी हुई है, ये ताजमहल बनने से पहले बनी थी ये। यहाँ से बिल्कुल मिलेंगे जरूर, और भाई आप बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे मिलके, आपने बहुत nice चल too, और अभी हम चलते हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे जाना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द ट्रिप, थैंक यू सो मच, और मे बी अगर मैं वापस आता हूँ तो वापस आते हुए भी आपसे डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है ना कि आप आओ कहीं पे और उसके बाद आपको इतने अच्छे से मिल जाए कि आप भी गुड़गांव जैसे कभी आते हो तो आपके लिए अलग है। आपको वसीला बना दिया बिल्कुल, और मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ, अगर मैं शायद दूसरे रास्ते से आता मैं भी नहीं मिल पाते। हाँ तो ठीक है दादा भाई, चलते हैं आपसे मिल, ओ मैं उसका एक बार पेमेंट कर देता हूँ। तो अब हम दरगाह से निकल के बेसिकली हम आ चुके हैं लेक में, और दरगाह से बर्ड उठ रहे हैं, बीच में उड़ रहे हैं, इसमें बोटिंग का तो शायद मुझे लग नहीं रहा कुछ होगा, बेसिकली भूख लगी यार, अब खाना खाने का टाइम आ गया, खाना खाना है तो मैं अब ले गया, तो लेक के पास खाना तो खा ही सकते हैं, तो देखते हैं अच्छा सा कैफे या कुछ दिखता है, तो मैं पूरा लेक फूड कोर्ट वही कर देता। आगे होती है वोटिंग करने जाओगे? नहीं नहीं, मैं तो बस खाना खाने वापस जाएंगे होटल में। ये खाना खाने की तो 10 रुपए की है, वोटिंग करने जाओगे अलग चार्ज है? ना ना, खाना खाएंगे, वोटिंग क्यों करना, खाना खाने तो मैं पूछ रहा हूँ जनरल नॉलेज। हाँ बाद में दे दूंगा, मैं आते ऊपर से निकालना पड़ेगा। चलो ये कोई कैफे है या फूड कोर्ट है कुछ भी बोल लो, तो ये फूड कोर्ट बोल रहे हैं इसको, चल महल रेस्टोरेंट भी काफी लिखे हुए अलग अलग, तो यहाँ कुछ खाते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है, क्या बैठते हैं उधर भीड़।
तो अब टाइम है थोड़ा पेट पूजा करने का, और अगर आप अजमेर आए हो और अजमेर आके आप लेक के पास ना हो तो क्या फायदा। तो ठीक है, इतना प्यारा व्यू था और इतना अच्छा मेरे को रेस्टोरेंट मिला यहाँ पे, तो नाम मैं इसको भूल गया, नाम है राज रेस्टोरेंट है, राजमहल रेस्टोरेंट है। तो ये लेक के बिल्कुल पास में है और ये सुपर सीटिंग है इसकी, काफी अच्छी सीटिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। और खाना भी ऑर्डर किया तो थोड़ी देर में खाना आएगा, तब तक मैं व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप लोग भी देखिए कितना प्यारा व्यू है और बर्ड्स हैं, और बीच में पता नहीं किसी ने अपना घर बना कर छोड़ दिया, मैं इतनी देर से कंफ्यूज हूँ मैं, वो क्या है, किसका घर है जो इतना डूब गया, ये पता नहीं क्या बना हुआ है। वोटिंग भी करते हैं यहाँ पे, वोटिंग भी हो जाती है, तो अच्छा लगता है अजमेर यहाँ पे, क्योंकि अजमेर भी एक ऐसा शहर है जो चारों तरफ से पहाड़ से कवर है और बीच में लेक है उसके, उसके चारों तरफ अजमेर बसा हुआ है, तो बहुत प्यारा। और यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा है, खाना आ जाए तो भूख बहुत जोर की लगी है, क्योंकि सुबह सिर्फ वही खाया था, उसके बाद कहाँ कहाँ घूमते हैं मुझे ही पता है, आप लोगों को बताऊंगा, देख चुके होंगे बस ठीक है। और जो पहाड़ दिख रहे हैं बीच में से रास्ता दिख रहा है, वो सिर्फ वही रास्ता है जो अजमेर को और पुष्कर को अलग करता है, उसको क्रॉस करके जाओगे तो साइड पुष्कर है, तो 15-20 मिनट आपको पुष्कर जाने में लगते हैं यहाँ से, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। बेसिकली जो मेन मेन चीज़ थी वह हमने विजिट कर लिया है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा जहाँ आप और विजिट कर सकते हैं, बट जो हम सबसे पहले टेम्पल में गए थे, जो जैन टेम्पल था वो बहुत प्यारा था, अब तक का सबसे बेस्ट मेरा टेम्पल था, मतलब जो मैंने देखा अभी मैंने विजिट किया तो बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था, वहाँ पे लोगों ने प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेटिव भी अपना जैसा प्रोस्पेक्ट रखा है कि ऐसे होता है, ऐसे करना चाहिए, तो लोग जान सकते हैं उनके रिलीजन के बारे में। तो बस अब मैं थोड़ा सा आपको ना दिखाता हूँ लेक में कितना प्यारा व्यू आ रहा है, इधर मैं दिखा, ये देख रहे हो, अब बस ऐसा व्यू हो सामने खाना हो तो खाना तो वैसे भी अच्छा ही लगेगा, और वहाँ हमारे इंडिया का झंडा, हमारा झंडा, तो ये बर्ड्स अपना मस्त पानी में बैठे हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये क्या है यार, ये है क्या, मैं कंफ्यूज हूँ ना, ये कोई महल टाइप लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने 2 BHK घर बनाया है, तो वो है बीच में पानी में चला गया, मस्त फोटोशूट चल रहा है। ठीक है, अब खाना आते हैं, खाना दिखाता हूँ, और एज यूजल जो भी एक्सपेंस होगा वो आपको स्क्रीन पर दिखी जाएगा, तो आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना एक चीज़ और बताता हूँ, ये नहीं है कि हम ऊपर बैठ रहे हैं तो ये रेस्टोरेंट में थोड़ा एक्सपेंसिव है, नीचे फूड कोर्ट भी है, अगर आपको थोड़ा ऐसा है कि बजट का इशू है तो आप फूड कोर्ट में भी खा सकते हैं, तो नीचे फूड कोर्ट है प्रॉपर, आप वहाँ खाना ऑर्डर कर सकते हैं, बट आप उसमें ऊपर बैठ नहीं सकते थे ये, और ये पेड़ देख रहे यार क्या हॉन्टेड सा पेड़ है, इतने सारे क्रो बैठे हैं उसके ऊपर, सिर्फ क्रो बैठे हैं, यहाँ और भी बर्ड उड़ रहे हैं बट उसके ऊपर सिर्फ क्रो बैठे हैं, क्यों पता नहीं। चलो आप थोड़ी देर व्यू इंजॉय करो और फिर मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। कर दीजिए प्लीज, ये कौन सी डिश है, क्या नाम था इसका, नाम भूल गया मैं, ये पनीर टकाटक, पनीर टकाटक आपका साथ में, तो बेसिकली पनीर टकाटक हमने ऑर्डर किया खाने के लिए, अभी ट्राई करते हैं कैसा होगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा है। ऐसा खाना और ऐसा व्यू कौन ही मिस करेगा, अरे मेरा तो बिल्कुल आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट मिस्सी रोटी करते हैं, इसके बाद करते हैं 2 मिस्सी रोटी, उसके बाद फिर और बता देंगे, और एक आपका मसाला पापड़। तो खाना तो हमने ऑर्डर कर दिया है, खाना आप ही क्या है, तो ये है टकाटक पनीर, पहली बार खा रहा हूँ, टकाटक पनीर है और रायता है रोटी है, तो सी द टकाटक पनीर, हाउ द टेस्ट, अच्छा मतलब सिमिलर टू कढ़ाई पनीर टाइप, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उसको सीजनिंग में डाल के अलग से किया गया हो, बट हाँ अच्छा है, कुछ अलग है थोड़ा सा। इसको सबसे ज़्यादा अलग पता क्या करता है, ये व्यू, ये व्यू से तो भाई आ रहा है ना, बिल्कुल अलग कर देते हैं, आप लोग भी खा लो। थैंक यू।
तो अभी हम लोग वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे और वहाँ से ये व्यू आ रहा था, तो मुझे इसके और पास आना था तो मैं आ गया देखने के लिए। तो ये जो लेक है इसका नाम है अन्ना सागर लेक। अन्ना सागर लेक है और ये प्राकृतिक लेक है, अपने आप बनी है और काफ़ी लंबे टाइम से है। जो इसका डायमीटर है वो शायद अप्रोक्सली 10 से 11 किलोमीटर के अप। तो ये काफ़ी पुरानी झील है जिसका निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिताजी ने कराया था और ये उस टाइम से यहाँ पे है और प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है इसको, अपने यूज़ के लिए इसको बनाया गया था उस टाइम में। और इसका जो अगर प्रॉपर डायमीटर हम देखेंगे जो इसका एरिया है 13 किलोमीटर लंबी या चौड़ी जो भी आप लगा सकते हो। तो बेस्ट मेरे को भी यही लगा था कैफे जो हमने यहाँ खाना खाया, खाना लिटरली बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं कि मैं गया था तो उन्होंने मेरे को बोला होगा, नहीं खाना बहुत अच्छा था। तो खाना खाया और व्यू वहाँ से था अच्छा। बस अब मेरे दिमाग में ना एक ही क्वेश्चन घूम रहा है और मैंने इंस्टा पे पूछा, तुम भी कभी आओ या पता चले तो बता देना भाई, ये घर किसका है भाई, बीच में किसने घर बनाया है ये बीच में, बस यही कन्फ्यूजन है। और अगर आपको यहाँ से अगर इस वीडियो से थोड़ा आइडिया लगा पा रहा हूँ तो ये देखो पहाड़ है, घर है और झील है। तो अजमेर ऐसा ही है, पहले पहाड़ ने कवर कर रखा है फिर घर बने हुए और बीच में झील है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे ना कभी भी पहाड़ पे से, क्योंकि आप पुष्कर जाते हो तो आपको वहां से रास्ते से 20 से एक रास्ता जाता है कवर करके, पुष्कर उस साइड है तो 15-20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो कभी भी अगर आप देखोगे वहां से ऊपर से देखोगे तो बीच में प्रॉपर झील दिखता है, उसके चारों तरफ घर है और चारों तरफ ही पहाड़ है फिर ग्राउंड में। तो काफी अच्छी सिटी है, बहुत प्यारी है। तो इसके साथ अब बस सोच रहा हूँ होटल चला जाऊँ, क्योंकि रात को भी लेट आया था, सोया नहीं था तो सो लेता हूँ, कल उदयपुर जाना है। और तो ऐसा कुछ है और भी चीज़ें बट ऐसा नहीं है कि भाई उनको देखने मेरे को जाने का, थोड़ा सा ऐसे ही है कि गया नहीं गया अभी मूड के ऊपर है। बट मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बता दूंगा वीडियो में कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो सी यू सून, अब मिलते हैं आपको होटल जाके। सुबह सुबह कोई उठा भी नहीं गया भाई साहब, लंका लग बढ़िया। इस ट्रिप का जो सबसे खतरनाक पार्ट मेरे को लगता है ना भाई, बाइक के ऊपर सामान बांधना। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी हूँ ना, गोरखास होते हैं जो आप हिमालय जाओगे ना कभी चढ़ने के लिए, ट्रैक करने के लिए वहाँ गोरखास मिलते हैं, वो ऐसे ही आपको वो आपका सामान ऐसे इतने बैग बैगों में लेके जाते। चलो सबसे हार्ड काम करके दिखाता हूँ सामान को बाइक में बांधना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हमारा दूसरा दिन है राजस्थान में। रात को हम टाइम से आकर सो गए थे, जहाँ जहाँ मैं जानता हम चले गए थे। उसके बाद आज हम जाएंगे जोधपुर के लिए, तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं जोधपुर के लिए निकलेंगे। वहाँ पर भी एक होटल बुक कराया हमने, बेसिकली एक पुरानी टाइप की हवेली है जो वहाँ पर होती है और वो शायद सिटी के अंदर ही है और थोड़ा ट्रेडिशनल है, तो इसलिए मैंने उसको बुक कराया क्योंकि वहाँ तक कार नहीं जाती। पर मैंने उनसे पूछा कि बाइक वो पार्क करा देंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आप बाइक से आज हम करा देंगे। तो अगर आप बात करते हैं लोग वैसे हेल्प कर देते हैं, हम जिस भी होटल में जाते हैं वो करवा देते हैं अरेंजमेंट। तो अभी बस खाना खा लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं सुबह सैंडविच है और आलू पराठा है और दही है, कॉफ़ी पीने का मन नहीं था। यहाँ थोड़ी गर्मी है, रात को ठंड हो जाती है, अभी दिन में गर्मी है, तो इसलिए या मुझे लग रही है मैं अभी सामान पैक करके आया हूँ बाइक पे। चलो आज ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ, बाय बाय करके नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं। तो थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं आपको ब्रेकफास्ट करूँगा।